नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत द्रौपदी मुर्मू से। देश को नया राष्ट्रपति मिल गया है, महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जी हां, देश की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगर हम बात करें, बधाइयों का संदेश सबकी तरफ से चला गया। विपक्ष ने भी दिया, सत्ता पक्ष ने भी दिया, लेकिन हम बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बनी है, राष्ट्रपति बनने के बाद क्या क्या सुख सुविधाएँ उन्हें मिलेंगी, सैलरी कितनी होगी और किस तरह से उनका पूरी तरह से मैं बात करूं तो उनका प्रोटेक्शन होगी और क्या क्या तमाम तरह के इंतजाम उनके लिए किए गए, एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, ध्यान से देखिए। भारत के राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को हर महीने करीब 5 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी। हालांकि साल 2017 तक राष्ट्रपति को सिर्फ 1.5 लाख रुपये प्रति माह की ही सैलरी मिलती थी। राष्ट्रपति को कई अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं, जिसमें उन्हें जीवन भर के लिए फ्री मेडिकल, घर और इलाज की सुविधा भी मिलती है। इसके अलावा भारत सरकार राष्ट्रपति के रहने, स्टाफ और मेहमानों के स्वागत के लिए 2.25 करोड़ रुपए हर साल खर्च करती है। भारत के राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को खास तौर पर तैयार की गई काली मर्सिडीज बेंच S600 पुलमैन गार्ड और तमाम सुविधाएं मिलेंगी। इसके उन्हें आधिकारिक यात्राओं के लिए एक लंबी बख्तरबंद लीमो जीन भी मिलेगी। राष्ट्रपति के पास छुट्टियां बिताने के लिए 2 शानदार हॉलीडे रिट्रीट भी होते हैं। इनमें से एक हैदराबाद में राष्ट्रपति निलयम और दूसरा शिमला में रिट्रीट बिल्डिंग है। भारत के राष्ट्रपति और उनकी जीवन साथी, पति या पत्नी, दुनिया में कहीं भी मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें सीधे तौर पर विस्तार से हमने अपने दर्शकों को बताया। दरअसल सीधे तौर पर आज यही देखा जा रहा है कि फिलहाल मौजूदा समय के जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर ही रहे हैं कि क्या वाकई आने वाले समय में बहुत बड़ा जो बदलाव है वो होता नज़र आएगा, क्या वाकई आने वाले समय में बहुत बड़ा हेरफेर होता नज़र आएगा। क्योंकि सीधे तौर पर समझिएगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ विपक्ष खड़ा है, तो क्या विपक्ष आने वाले समय में उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है? क्योंकि विपक्ष का मानना है कि जो नतीजे आए वो उनके अनुसार है ही नहीं, बीजेपी ने एक तरफा चुनाव जीता है। तो क्या लग रहा है विपक्ष, यशवंत सिन्हा, तमाम जो नेता हैं, ये मुर्मू के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।